हेलो दोस्तों, हमारे चैनल चिराग परमार को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करना ना भूलें। वह सब्सक्राइब के पास का बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्यारे मित्रों नमस्कार। आज आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। अधिनियम के अनुसार 6 माह की अवधि आपसी सहमति के विवाह विच्छेद हेतु आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में कई दंपतियों को इंतजार करना पड़ता था। न्यायालय भी प्रथम सुनवाई तिथि 6 माह की आगे की देता था, जिससे कोई परपज हल नहीं होता था। जिन मामलों में पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह से समझौता संभव नहीं है, दोनों में किसी भी तरह से आपस में कोई रजामंदी नहीं हो सकती कि वह एक हो सकते हैं, उनका साथ में रहना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में विवाह विच्छेद अर्थात तलाक के लिए 6 माह की अवधि तक इंतजार किया जाना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं था। ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब धारा 13B के तहत ये आवश्यक नहीं है कि न्यायालय 6 माह की अवधि तक इंतजार करे। यदि संबंधित न्यायालय को यह लगता है कि अब दोनों पक्षों के बीच में किसी भी तरह से समझौता संभव नहीं है, अब दोनों पक्षकार आपस में रह नहीं सकते, वे एक साथ किसी भी दृष्टि से मिल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति में 6 माह से पूर्व भी विवाह विच्छेद हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह बाध्यकारी नियम था कि 6 माह की अवधि तक इंतजार किया जाए, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है तथा अब 6 माह से पूर्व ही ऐसे दंपतियों में विवाह विच्छेद हो सकता है। इस तरह की नई व्यवस्था के लिए कई दंपतियों को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि वो दोनों किसी भी दृष्टि से मिल नहीं सकते थे और उन्हें इंतजार करना पड़ सकता था। ऐसी दृष्टि में उनके लिए फायदेमंद प्रावधान है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का प्रावधान कर भारतीय उन दंपतियों के लिए अच्छा काम किया है जो कि आपस में मिल नहीं सकते। धन्यवाद।